किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन। भाई अपन बात कहा बहुत है अच्छी तरह से, यहाँ हम गांधी जी के खास ना आए, हम सुभाष चंद्र बोस और सरदार यह बात सही है, पेड़ के खाप झेल के मारा नहीं सोने का परी, एक नारा अपने यहाँ आई है और भाई भाई नाम क्या कोई तो अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे कारण से सीधे तुम्हारे तुम कल चाहूंगा कि हमारे भगवान अभी तक क्या था कि सीओ साहब क्या बोलते थे कि आपका जो काम है वो मात्र 10 से 15 दिन में, तो ये पहली बात तो सीओ साहब मिलते ही नहीं है और जब कभी मिलेंगे तो बोलेंगे कि आपका कार्य हो रहा है, आप परेशान मत होइएगा। इसके बाद क्या होता है, हम लोग जाते हैं फिर आते हैं, लोगों किसान भाइयों की कोई बात सुनी नहीं जाती है, अगर कि जैसे कि हमारी गांव की लाइट बंदी बिगड़ती है और 8 दिन लाइट नहीं जाती है, किसान की उपज पैदा नहीं होती है, उनके कनेक्शन काटे जाते हैं, 10,000 पर बकाया है तो उनकी FIR की जाती है, कनेक्शन काट दिए जाते हैं, 8 दिन बिजली जाती नहीं है, बिल तो माफ़ किया नहीं जाता है, जितने दिन बिजली किसान को ना मिले उतने बिल जई दे या एक्सियन दे, किसान की मांग पूरी हो, किसान की उपज होनी चाहिए कि और बिजली मिल जाए, मुख्यमंत्री जी का बिल नहीं, मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 8 घंटे बिजली मिलेगी, तो हमें मुख्य मांग हमारी बिजलियां जो टूट जाती हैं गांव में, शहर में अगर टूटती हैं तो तुरंत सामान मिलता है, गांव में बिजली टूटती है तो पहले लेखपाल सर्वे करेगा, फिर कानून को रिपोर्ट बनाएगा, फिर तहसीलदार बनाएगा, क्या मतलब है, अरे अपने जेई से पूछिए कौन सी लाइन खराब है, सीधा सामान दीजिए, 8-8 दिन लाइने बंद पड़ी है, हमारी घुइयां की फसलें हैं, सब्जियों आपके पास आते हैं परवाह है तो क्या स्थिति, याद कर लो यदि अपने अधिकार को चाहना है तो इस टोपी के साथ रहिए, आपको अधिकार मिल करके रहेगा, बैठ जाओ भाई, बैठो बैठ जाओ, ए मामा बैठ जाओ, सबक सिखाने के लिए तो किसान तो भी परेशान कर अपनी सुरक्षा के लिए धूप और लूप में परेशान किया जाता है। खैर ठीक है, ये किसान यूनियन के एक भारतीय किसान यूनियन होता है कि हमारे कि देश बर्बाद हो जाएगा, अगर हर किसान के मन में आ जाए कि मेरे घर से एक चंद्रशेखर आजाद पैदा होगा, लेकिन इस बात की सोच हर किसान के अंदर पैदा नहीं है, ये भी है।